बने नोट वो खराब कर रहे हैं। तो मैं वहां उस कैंप पे गया था हरियाणा के 30 लड़कों के साथ। एडवेंचर के नाम पे क्या होता है, बर्फ में डूब जाते हैं, हाइट होती है, ऑक्सीजन कम होती है। ये 30 के 30 कम वक्त वहां पहुंचे कैंप में, तो चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी। इन्होंने सबसे पहले जाते ही क्या किया, आसपास सारी बर्फ पे दिल बनाते, बीच में लिखते आई लव यू नेहा, आई लव यू पूजा। इनको यही एडवेंचर लगा, ये कुछ नहीं, ये उस दिल के साथ सेल्फी लेके करने के चार महेंद्रगढ़ के लड़के आ गए, उन सबके दिलों में चक्कर वीडियो खड़ी कर दी। जहां लिखा हुआ था आई लव यू पूजा, ऊपर का आई लव यू मिटा दिया, नीचे लिख दिया पीती है, ऊपर लगा दी चार मीडिया। और अब ये सेल्फी ले लेके पोस्ट कर रहे हैं। मतलब आप अगर किसी बर्फ वाली जगह पे जाओगे और वहां पे आपके जाने के बाद बर्फ गिर जाए तो सोने पे सुहागा, कितना मजा आएगा ना। लोग फोटो खींचेंगे या बर्फ मार मार के एक दूसरे को खेलेंगे। हमारे साथ कुछ कम वक्त ऐसे थे, जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू हुई इन्होंने पैक बनाने शुरू कर दिए। 3 पैक के बाद जब थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा तो अफवाह उड़ा दी, कहते ये बाबा जी की दवाई है, कुदरती बर्फ में बीमारियां ठीक करती है। एक लड़का दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर का था, वो इतनी शीशी के अंदर दारू लेके घूम रहा था, इधर ही है, कहता है कुछ नहीं कंपनी के नेगेटिव है। देसी किसी, हेलो भाई साहब ये नहीं बंद होना चाहिए, ये मूल तोड़ता ये बंद होना चाहिए। हरियाणा के आदमी को अगर आपको लाफ्टर चाहिए ना, आप इसको कहीं पे भी ऑब्जर्व करो, आप एक बार हरियाणा के आदमी को थोड़ी देर नोटिस करो, हरियाणा से बाहर आपको वैसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पे क्लब में कौन कौन गया है, क्लब में डिस्को में यहाँ पे कौन कौन गया है, सारे गए हैं, काफी लोग। मैडम ने भी हाथ उठाया हुआ बात, मैडम आप गई हो क्लब में, सारे पूछ रहे, मुझे अच्छा लग रहा है अंकल की उम्र 60 में से पूछ रहे आप लोग गए, आप इस उम्र में इग्नोर क्या कर रहे वाली बात। क्या होता है क्लब और डिस्को इसलिए होते हैं कि आदमी वहां जाए, थोड़ी ड्रिंक ड्रिंक करे और नाचे। हरियाणा एक ऐसी एक लौती जगह है जहां के लोग घर से शराब भी करवा जाते हैं, महंगी होती है। तो एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ गया क्लब के अंदर, वो वहां पे मैनेजर से झगड़ने लगा, कहता बिल बता कोई शक्ल पाई के कहता सर नहीं रपीर था, कहता सर बात ना सर क्यों फूकता है रपीर था, कहता भाई साहब भूखो भूखो सर पेश बता, कहता सर बता दो तो पहले ऑर्डर तो करो कुछ। मैं भी नहीं गया था सर, आप पूछ रहे थे कभी क्लब में, मैं भी नहीं गया था, लाफ्टर चैलेंज में जाने से पहले था। उसके पास मैं गया क्लब में और सर डेट पर गया, लड़की एयर होस्टेस थी, फीलिंग सोच रहा हूं कहां होगी, तो मैं पहली बार वहां पे डेट पे गया। हेलो चेक अभी ठीक है, तो मैं पहली बार डेट पे गया वहां पे, तो आपने मुंबई में 4-5 चीजें सीख ली थी, ओके सॉरी थैंक यू टाटा अपने इंग्लिश ओके। मैं गया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मैं नहीं पता लग गया मेरे अंदर कौन रहता है, उसको पता ही नहीं था। लेकिन दुखद घटना शुरू हुई खाने के टेबल पे, जब उसने सामने से मुझे कहा कि क्या खाऊं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो उन क्लब्स में या महंगे रेस्टोरेंट्स में नहीं गया है तो आप मेन्यू को छूने की गलती कभी ना करें, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी डिशेज लिखी हुई है जिनको आप पढ़ ही नहीं सकते, और अगर आप पढ़ लोगे तो उन्हें पहचानोगे नहीं।
तो उसने मुझे बोला, मैंने मेन्यू की तरफ देखा और मैं ऐसे हो गया, कुछ भी खा लेंगे। तो उसने सामने से दुनिया का सबसे लेम और गंदा जोक मारा मुझ पे। मुझे नहीं पता था मेरा जोक 2 बार पढ़ सकता है। तो उसने मुझे सामने से कहा, इस मेन्यू में कुछ भी तो है ही नहीं। या ठीक ओके, या तो इनका अलग अलग बिठाओ या इनका नूडल ले आओ। मैं के बताऊं यार, मैंने लोगों का दिक्कत होती देखी है, सेध जीव देख अल्लाह रहा हूं। मैंने सुना है हिसार, हिसार मेडिकल ट्रीटमेंट में पूरे हरियाणा में अव्वल दर्जे पे आता है, तो होगा तेरी बीमारी का इलाज भी। तू मेरी बिरादरी का है, मेरा साथ दे। देख मुश्किल से होता है हमारे हरियाणा में किसी लड़के को इतने लोग आराम से बैठ के देखे ना, आज तक तो हमें धिक्कारा ही गया है। मेरे माँ बाप यही कहते जा मर, इससे ज्यादा वैल्यू में चीज मेरी माँ ने मुझे आज तक नहीं दी। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर करती हूँ। और उसने मेन्यू उठाया और मुझे बोलती कि तुम रिकॉटा खाओगे। खा लेंगे, क्या तुम्हें पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं है ना? उसने दूसरी डिश बना ली और जो मेरे को बताना है यहाँ किसी चीज को पता है डिशेज के बारे में, मूज मंगा लेते हैं। मूज मूड मंगाने में भी 2 घंटे बाकी है। अरे यार तू मेरा क्यों फैमिली शो खराब कर रहा है? प्लीज मत कर, मत कर, मेरे अंदर एक बटन है खुद दब जाता है। मैं बहुत फैमिली वाले जोक्स लेके आया, मैं तो ये देख रहा हूँ जब अंकल हंसे हैं मूड वाली बात पे। मैंने उसकी कोई डिश नहीं पहचानी। कल उसकी शादी है और मैं यहां तांडव कर रहा हूं, तो तुम समझ सकते हो मेरे साथ नहीं है। हाँ कल जा रहा हूं, छोड़े इंस्टा पे फॉलो कर, कल मेरी फोटो दिखेगी वो भाई वाले पोज में उस दीदी के साथ, और मैं उस पे लिखूंगा दीदी की शादी है, टैग करूंगा तुझे। यार टेक इट, टेक इट।